Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we're going to discuss about mole. What is mole? Before to go there, सबसे पहले तो हम ये discuss करते हैं कि जब आप market में जाते हैं, for example, आप कहते हैं कि मुझे 1 kg sugar चाहिए, 1 kilo, ठीक है, sugar चाहिए या salt चाहिए, whatever you want. For example, आप 1 kg salt लाते हैं, नमक जिसे आप कहते हैं, ठीक है, आपने कहा कि मुझे 1 किलो नमक दे दे, वो मेजर करके आपको दे देता है. इसी तरह लेट्स सपोज आप ऑयल वगैरह लेने जाते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप इसी तरह से उसको कहते हैं जी 1 लीटर आपको चाहिए, आपको मिल जाता है. लेट्स सपोज 1 लीटर ऑयल और वाटर H2O, ठीक है जी, तो ये इस तरह से आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं. अच्छा, जब आप 1 kg नमक लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 kg सॉल्ट आपने लिया, आपको पता है ये कितने ग्राम्स होंगे इसमें? एनीबडी नोज नंबर ऑफ ग्राम्स कितने होंगे 1 kg? 100 ग्राम. 100 ग्राम नहीं, 1000 सर. 1000 होंगे जी, वेल्डन, क्योंकि के मीन टू से हेयर 1000, तो इसमें कितने ग्राम्स होंगे आपके पास? ऑलमोस्ट 1000 ग्राम्स होंगे, तो वो 1 kg के इक्वल होगा. अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोल की. मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये आपके पास जो अमाउंट है, ये आप कह लें कि ये फॉर एग्जांपल ये 1 ग्राम है, दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है. इस तरह के 1000 ग्राम मिले तो फिर जाके आपके पास 1 kg सॉल्ट बनेगा. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो. ओके जी, बहुत ही अहम टॉपिक है आज का, गौर से सुनिएगा इसको, तो काफी चीजें जो है इंशाल्लाह वो क्लियर होंगी. अच्छा, अब मैंने मोल की बात की. अब मोल कहते किसे हैं? वो कहता है 1 mole इज इक्वल टू, किसके इज इक्वल है, समझिएगा इस चीज को जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने लगा हूं. मोलिकुलर मास इन ग्राम्स, 1 mole इज इक्वल टू किसके इज इक्वल बता रहा है? मोलिकुलर मास किसमें लेंगे आप? इन ग्राम्स. ये पॉइंट क्लियर है? यानी कि 1 mole इज इक्वल टू मोलिकुलर मास इन ग्राम. किसी भी चीज का हो सकता है, यहाँ पे आपके पास एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और कोई कंपाउंड भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं. किसी भी चीज को अगर आप 1 mole लो और उसका मॉलिक्यूलर मास, बहुत आम पॉइंट है, क्या उसका मॉलिक्यूलर मास किसमें एक्सप्रेस करो आप? ग्राम्स में. तो ये क्या होगा? 1 mole के इक्वल होगा. मिसाल के तौर पे हमने बात की थी अभी सॉल्ट की, तो सॉल्ट को देख लेते हैं, दैट इज NaCl, यही फार्मूला है जी सॉल्ट का, दैट इज NaCl. यहाँ पे अब क्या लेना है आपने? इसका मॉलिक्यूलर मास लेना है. तो सोडियम का ऑलमोस्ट जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 23.5. 7 क्लोरीन है, 23 होता है मेरे ख्याल सोडियम का, हाँ 0.5 नहीं होता, 23 है इसका. और जो क्लोरीन है इसका है 35.5. ऐड करने दोनों को तो ये आपके पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 58.5. ये इसका क्या आ गया आपके पास? मॉलिक्यूलर मास आ गया सोडियम का. अगर आप 1 mole इसके इक्वल होगा मॉलिक्यूलर मास, आपने किसका लेना है? सोडियम का. इतनी आप सोडियम लेंगे किसमें? ग्राम्स में, दैट इज इक्वल टू 1 mole. एनी क्वेश्चन? यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो. जी जिशान सर, ये जो Na का 23 है और Cl का 35.5 है, ये फिक्स ही होता है? हाँ जी, ये एटॉमिक मास आपको पता ही है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस और सर ये ग्राम्स में ही होता है?
नहीं ग्राम्स में नहीं होता, ये देखिए आप स्किप मिस कर गए हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर मास। इनका मॉलिक्यूलर मास लेना है हमने, एक्सप्रेस किसमें करना है, इन ग्राम्स में, इसमें ठीक होगा, ठीक होगा। इन ग्राम्स में। अब आप अगर आपको एक मोल चाहिए, आप कहते हो दुकान पे जाके मुझे एक मोल सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट दे दे, वो कैसे मेजर करेगा? अगर तो वो केमिस्ट होगा तो वो कितना वेट लेगा, 58.5 ग्राम तोल के लेगा, ये लेंगे दैट इज इक्वल टू 1 मोल। क्लियर है ये वाली एग्जांपल? दूसरी एग्जांपल देखते हैं जी, अली वार साहब माशाल्लाह आ गए। अच्छा जी एक और एग्जांपल देखते हैं जी, उसमें हमारे पास क्या चीज है, उसमें हम लेते हैं वाटर को, ठीक है, अब वो लिक्विड है बिल्कुल इसी तरह से, अगर 1 मोल आपको वाटर चाहिए तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाटर का फॉर्मूला क्या है जी आपके पास, वाटर में H2O, हाइड्रोजन 1, ऑलमोस्ट 1.008 होता है, लेकिन अगर मैं इसको 1 ही ले लूं, कितने मॉलिक्यूल एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 2, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ, तो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है 16, दैट इज इक्वल टू 18। अगर मैं 18 ग्राम क्या ले लूं वाटर के, तो दैट इज इक्वल टू 1 मोल। इसी तरह मैं किसी गैस की एग्जांपल देने लगा हूँ, ऑक्सीजन की ले लेते हैं O2, तो ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 16, कितने आइटम है 2 के, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 2 के साथ, दैट इज इक्वल टू 32, तो ये 32 वाह वाह अगर मैं तीन मास, वाह ओके 32 ग्राम अगर मैं ऑक्सीजन के लूं तो ये मेरे पास कितनी होगी 1 मोल। ये क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो, क्योंकि अब मैं बुक की तरफ जाने लगा हूँ, ये थोड़ी सी बेस थी जो मैंने बनाई, अब हम बुक की तरफ चलते हैं जी, जो हमारा आज का टॉपिक है इंशाल्लाह, नाउ यू शुड अंडरस्टैंड इजीली अबाउट ऑल ऑफ इट। तो आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, उसके बाद कुछ डिस्कशन की हमने, लेट्स सी, वी नो दैट एटम इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, द मैस ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल क्वान्टिटी, ज़ाहिर है उसका मैस भी बहुत ही छोटा होगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू वे इंडिविजुअल एटम, अंडरलाइन कीजिएगा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी एक इंडिविजुअल एटम को क्या कर सको, उसका वेट कर सको, और इवन स्मॉल नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली, ना ही आप छोटे छोटे नंबर उसको कर सकती हो, दैट इज वाई वी यूज एटॉमिक मैस यूनिट, यही वजह है कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं, AMU को इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मैसेज में, ठीक है ना, कि एटम का मैस क्या है, जिसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस द एटॉमिक मैसेज मे बी गिवन इन एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आप उसको किसी भी यूनिट में कर सकते हैं, यानी कि इसी एटॉमिक मैस को जो आपके पास हैं उनको आप एक्सप्रेस कर सकती हो, मेजर कर सकती हो, यानी कि ग्राम्स में कर सकते हो, किलोग्राम में कर सकते हो, पाउंड्स में, और सो ऑन। व्हेन द सब्सटेंस आर एट आवर डिस्पोजल इन एन एलिमेंट देन द एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दोबारा से सुनिएगा, व्हेन द सब्सटेंस एट आवर डिस्पोजल इन एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के अंदर, देन द एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स कॉल्ड ग्राम एटम, यानी कि उनके जो एटॉमिक मैस है, इसको मैं दोबारा से हाईलाइट करने लगा हूं, और क्या विद इन ब्रैकेट्स या आप क्या कह लें इसको, मैं यहां पे एटॉमिक मैस ऑफ द एलिमेंट एक्सप्रेस्ड, किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं हम इनको, ग्राम्स में, इन ग्राम्स इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम, सिर्फ आपने उसी को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया, जैसे मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास की एग्जांपल दी, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास आया मैंने उसके साथ क्या लगा दिया, ग्राम, तो वो मेरे पास किस में आ गए, मोल में, और ग्राम एटॉमिक मास में आ गए। सो
इट इज कॉल्ड द 1 ग्राम मोल और सिंपली द मोल ऑफ द एलिमेंट. जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो. रिपीट द फर्स्ट पैराग्राफ. निशान आप तो शुरू से हो मेरे साथ बेटा. अच्छा जी, दोबारा बताता हूँ, गौर से सुनिएगा क्या कह रहा है. द मैस ऑफ इंडिविजुअल एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इम्पॉसिबल टू वे इंडिविजुअली और इवन डायरेक्टली. दैट इज वाई द एटॉमिक मैस यूनिट ए एम यू टू बी एक्सप्रेस इज एटॉमिक मैस. इसको हम इसमें जी हसनैन हसान सॉरी जी हसान सर, इसको हम लास्ट में जो ये जो 1 ग्राम एटम कहा गया है, इसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं. आपने ना शुरू से लेक्चर मिस किया, आप वीडियो देखिएगा इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी. शुरू से जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना वो उसकी बेस थी. दोबारा भी मैं करूंगा लेकिन पहले इसको सुन लीजिएगा आप. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस द एटॉमिक मास मे बी गिवन इन एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट. फॉर एग्जाम्पल ग्राम्स में कर सकते हैं आप, के जी में भी कर सकते हैं, पाउंड में भी कर सकते हैं और सो ऑन, जो भी यूनिट है. अब यहाँ पे ये बड़ा अहम पॉइंट है, नंबर ऑफ ग्राम्स एटम और मोल ऑफ एन एलिमेंट, कि उस एलिमेंट का मोल किसके इक्वल होगा. मैस ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम, उसी एलिमेंट का मैस आपने किस में लेना है, ग्राम्स में. डिवाइड कर देना है किसके साथ, मोलर मैस ऑफ द एलिमेंट, उसी के मोलर मैस के साथ आप डिवाइड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये आपके पास है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का वेट कितना है आपको पता है, 1.008. मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, जी. अंडरस्टैंड, पहले इसके साथ क्या लगा हुआ था, ए एम यू. ए एम यू था ना एटॉमिक मास यूनिट, ए एम यू को हटा के मैंने क्या लगाया, ग्राम लगा दिया, तो ये 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन हो गया. 1 ग्राम ऑफ कार्बन आपको पता है 12 है, तो इसके साथ क्या लिखा जा रहा है अब, जी. इसी तरह 1 ग्राम एटम ऑफ यूरेनियम, उसका बता रहा है ग्राम्स में. एनी क्वेश्चन टिल हेयर यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो. जी हसनैन, यार हसान सॉरी यार. सर ये मोलर मास ऑफ डेड एलिमेंट्स, ये क्या हो सकते हैं हाइड्रोजन की? ये एग्जांपल में बात कर रहे हैं आप, ये फार्मूला में दिया हुआ है सर, फार्मूला में. हाँ, ये नंबर ऑफ ग्राम. अच्छा सुनिएगा, मास ऑफ एलिमेंट, उसी एलिमेंट का मास ग्राम्स में ले लेना है, ठीक है. यस, नीचे उसके नीचे मोलर मास को ऑफ एन एलिमेंट, अगर तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो फिर आप उसको मॉलिक्यूलर ले लेंगे. जैसे क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, उसके साथ डिवाइड करेंगे, फिर आपके पास नंबर ऑफ ग्राम एटम आएंगे और मोल ऑफ द एलिमेंट आएगा, ठीक है. यहाँ पे आपने एलिमेंट या उसके एटम जो जिससे भी वो मिलके बने हुए हैं वो आपके पास आ जाएंगे. इट मीन दैट 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मैसेज इन देम. अच्छा ये बड़ी अहम बात है, ये इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बड़ी बार आया हुआ है, 5 ईयर जो प्रीवियस ओल्ड पेपर है उसमें क्या कह रहा है. अब देखें, अगर आप लेते हैं 1 ग्राम आपने लिया हाइड्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मैसेज इन देम. ये 1 ग्राम है हाइड्रोजन का, 1.008 ग्राम. यहां पे भी आपने फिर 1 ग्राम लिया कार्बन का, वेट कितना आ गया इसका, 12 ग्राम. यूरेनियम का 1 ग्राम लिया, 238 ग्राम. कि 1 ग्राम डिफरेंट जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उन सब के मैसेज क्या है, डिफरेंट है. ये देखें, वो किसी के भी सेम नहीं है. ऑब्वियसली किस वजह से चेंज हो रहे हैं, ड्यू टू एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उनके कॉम्बिनेशन की वजह से हर एक में चेंजिंग आ रही है. यही वजह है कि उनके जो बाद में मैस है वो इक्वल नहीं होंगे. 1 मोल ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम. अब देखें क्या कह रहा है कि 1 मोल अगर आप कार्बन लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ रही है, 12 ग्राम के आ रही है. ये मोल का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया हुआ है. वाइल 1 ऑफ मैग्नीशियम दैट इज इक्वल टू 24 ग्राम. रीजन क्या है कि अगर आपको 1 ग्राम कार्बन चाहिए तो उसके अंदर आपके पास ये मोल है. इसी तरह अगर आपको 1 मोल मैग्नीशियम चाहिए तो उसका एटॉमिक
मास क्या है आपके, सॉरी मॉलिक्यूलर मास या उसका एटॉमिक मास क्या है, वो 24 है. इट ऑल्सो शोज दैट वन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज ट्वाइस एज हैवी एज एन एटम ऑफ कार्बन, क्योंकि ये इससे दोगुना है, तो यहां से आपको पता चल रहा है कि ये उसका डबल है. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम मोल और सिंपली द मोल ऑफ अ सब्सटेंस. ये सेंटेंस जहन में रखिएगा और इसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, अगर आपने किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, जैसे मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी थी, इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल, उसको हम ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और ग्राम मोल भी कह सकते हैं, और सिंपली इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ, मोल का भी नाम दे सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल वाटर की एग्जाम्पल दोबारा दे रहा हूँ जो मैंने शुरू में दी हुई थी, H2O. वाटर हाइड्रोजन का लेंगे सबसे पहले, वन एक होता है, नंबर ऑफ एटम कितने हाइड्रोजन के, टू, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, टू के साथ, तो दैट इज इक्वल टू टू. प्लस क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है सर, 16, सो टू प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 18. अब ये 18 क्या है, मोल, वन मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18. इसी तरह इसको मैं ग्राम मोल भी कह सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 18, और ग्राम मॉलिक्यूल भी ये कितना है मेरे पास, 18. Till here, any question you can raise your hand, otherwise type no. Okay, जी. नहीं जी. अली वारिस, आई थिंक यू हैव अ वेरी बैड इंटरनेट कनेक्शन, आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है बेटा, आई अंडरस्टैंड, बट क्या कर सकता हूँ, इसके बाद आप वीडियो देख लीजिएगा. खैर, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल और मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, मास ऑफ द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम, उसके बाद मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस. अब जैसे ये बताया, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी इसकी, वन ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो वो कितना बता रहा है, 18 ग्राम, हमने भी इतना ही निकाला था. इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का 98 grams, वन ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज 342. It mean that 1 gram molecule of different molecule, molecular substances have different masses. जी जीशान. सर सुक्रोज का हम कैसे निकालेंगे? कार्बन हाइड्रोजन. उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आप देख लेंगे, आपको बड़ी इजीली पता चल जाएगा. कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जितने उसके नंबर होंगे उससे हमें पता चल जाएगा इनका, ठीक है. मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ इसका फॉर्मूला भी. अच्छा जी, ठीक हो गया सर. अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे क्या बात बता रहा है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट मीन दैट 1 gram मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मैसेज. ऑब्वियसली किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एलिमेंट्स जो उस फॉर्मूले में मौजूद है, यानी कि अब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो इसीलिए उन्हीं का एटॉमिक मास है, और साथ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखनी है. वरना अगर सिर्फ हाइड्रोजन ही को मैं लेता तो फिर तो ये 17 बनना था, इसलिए मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन को 2 के साथ. रीजन क्या थी, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन थी वो क्या था, H2 था, ठीक है, तो H2 के लिए मैंने नंबर ऑफ 2. इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन के H2, ऑक्सीजन के O4, तो 16 ने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ. तो आपको मॉलिक्यूल में मौजूद नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एटम को बड़े ध्यान से देखना है और उनको नजर में रखना है, फिर इसको करना है आगे. अच्छा जी, डेफिनेशन पे आते हैं. द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, अभी आयनिक की तरफ आ रहा है, एक्सप्रेस इन ग्राम्स, इसी तरह उनको भी अगर आप किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम्स में, इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके नीचे हम क्या है. सिंस आयनिक कंपाउंड्स डो नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, देयरफॉर द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयंस गिवन द फार्मूला मास, के उन्हीं के हम लेंगे कि जो उनके एटॉमिक मैस होंगे उसी को हम फाइंड आउट करेंगे. द ग्राम फार्मूला इज ऑल्सो रेफर टू एज ग्राम मोलर मोल और सिंपली मोल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 gram ऑफ NaCl, जैसे कि मैंने शुरू में ही ये एग्जाम्पल कर दी थी, हर एक में से मैंने एक एग्जाम्पल की हुई है, ठीक है, सॉल्व. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl, यहाँ पे आपके पास सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, द कम्बिनेशन इज इक्वल टू 58.50 ग्राम. इसी तरह
सोडियम कार्बोनेट AgNO3 ये इन सब के आपके पास आ गए हैं। इट मे ऑल्सो बी मैंशन दैट आयनिक मैसेज ऑफ एनायनिक स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स कॉल्ड 1 gram ion और 1 mole of ion, यानी कि अगर जैसे ही हम उसके आइंस लेंगे तो उसको हम आइंस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जी जीशान सर, ये Na2CO3 और AgNO3 ये किसके फॉर्मूले हैं? ये जो है ना सोडियम कार्बोनेट है और ये सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है सर, अगर आप इनके नाम लिख दें तो बेहतर होगा। अच्छा जी, मैं लिख देता हूँ इनके नाम, सोडियम, मैं इसमें ना चैट में लिख देता हूँ, ओके, वो जरा पेन आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा एवरीवन, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग।